स्टूडेंट्स, टुडे फॉर क्लास टू इंग्लिश ग्रामर चैप्टर्स, इंग्लिश ग्रामर बुक चैप्टर नंबर थर्ड, आई विल टीच यू अबाउट काइंड्स ऑफ सेंटेंस। व्हाट काइंड ऑफ सेंटेंस? वी शैल से दैट देयर आर फोर काइंड ऑफ सेंटेंस। ठीक ना, सेंटेंस आर ऑफ फोर काइंड। सेंटेंसेस आर ऑफ फोर काइंड। वाक्य चार प्रकार होते हैं। ठीक ना, वाक्य चार प्रकार होते हैं। कौन? असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस और एफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक ना, फर्स्ट ऑफ ऑल असर्टिव सेंटेंस। इसको बेरी सूचक वाक्य भी कहते हैं। क्या होता है? ठीक ना, द सेंटेंस वाक्य जिस में कहो बढ़िया रहेगा। दी सेंटेंस ए वाक्य असर्ट्स आर डिक्लेयर समथिंग। ए वाक्य कुछ बताते हैं, कुछ कहते हैं, कुछ क्लियर कर डिक्लेयर करते हैं। ठीक ना, इन वाक्य बोलते हैं असर्टिव सेंटेंस। कहेंगे दीज सेंटेंसेस एंड विथ अ फुल स्टॉप। ये वाक्य फुल स्टॉप समाप्त होते हैं। ठीक ना, जैसे रजत विल डू दिस वर्क। ठीक ना, रजत यह कार्य करेगा। इसमें कोई बात कही जा रही है, कुछ कहा जा रहा है ना, इसलिए क्या है असर्टिव सेंटेंस है। ऐसे ही है प्रमोद डिड नॉट गो टू स्कूल। प्रमोद स्कूल नहीं जाता था, ये भी एक वाक्य है। क्यों वाक्य है? असर्टिव सेंटेंस है। ठीक ना, ऐसे लिपिका लिपिका इज ए ब्यूटी फुल गर्ल। लिपिका एक सुंदर लड़की है। ठीक ना, बस में आई। अगली बात है
इंटोगेटिव सेंटेंस। मतलब प्रश्न सूचक वाक्य रहेंगे। दी सेंटेंसेस आस्क क्वेश्चन, दी सेंटेंसेस आस्क क्वेश्चन, दीज sentences ask a question। ये वाक्य क्या करते हैं, प्रश्न पूछते हैं, ठीक है। इसलिए क्या करेंगे, they are also called question question क्या sentences। इनको तो वे जो है प्रश्न सूचक वाक्य भी कहलाते हैं, ठीक है। दी सेंटेंसेस आर इन विथ अ क्या बोलते हैं, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। कहेंगे दीज सेंटेंसेस इन द विथ अ क्वेश्चन, क्वेश्चन आ रहा है ऐसे, ठीक है। ये वाक्य प्रश्न सूचक चिन्ह के साथ समाप्त होते हैं, ठीक है। जैसे कह दिया जाए डू यू नो, डू यू नो मतलब क्या तुम जानते हो, डू यू नो क्या तुम जानते हो, या कह सकता है कि व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है, ठीक है। ये क्या है इंटरव्यू सेंटेंस, ठीक है। समझ गई। अगली बात इंपरेटिव सेंटेंस, इम्पेटिव सेंटेंस कहेंगे दी सेंटेंसेस एक्सप्रेस कमांड्स रिक्वेस्ट आर विश, ठीक है, या एडवाइस कहेंगे, इसको कहते हैं आगे सूचक वाक्य। कहेंगे दीज सेंटेंसेस एक्सप्रेस क्या कमांड कमांड्स
रिक्वेस्ट विश क्या ठीक है ना। एवा क्या कहते हैं, क्या होते हैं, जो आज्ञा प्रार्थना या इच्छा का भाव प्रकट उसका बोलते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस, आज्ञा सूचक वाक्य ठीक ना। तो कहेंगे आगे इसमें दीज सेंटेंसेस एंड विथ अ फुल स्टॉप, फुल स्टॉप से बात खत्म होते हैं ठीक है। उदाहरण के लिए कहा जा सकता है कीप ए डिस्टेंस, कीप ए डिस्टेंस, एक दूरी बनाओ ठीक है। कह सकते हैं डोंट वास्ट माय टाइम, डोंट वास्ट माय टाइम मतलब मेरा समय बर्बाद मत करो, मेरा समय बर्बाद मत करो। इसमें आगे एक बात की जा रही है ठीक है, समझ रहे हो। और भी है एग्जाम्पल, छोड़ देते हैं अब, लिख देते हैं एग्जामिनेशन सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस कहेंगे दीज सेंटेंसेस एक्सप्रेस सम स्ट्रांग आर सडन है क्या सडन लिखे सडन फीलिंग आर सडन फीलिंग ये जो वाक्य होते हैं मजबूत या अचानक आशय वाली भावनाएं पर करते हैं ठीक ना। दी सेंटेंस विथ इन विथ एग्जामिनेशन वर्ब, दीज सेंटेंसेस इन द विथ एक्सक्लामेशन मार्क ऐसे। ये वाक्य होते हैं विस्मय सूचक चिन्ह द्वारा समाप्त होते हैं, जैसे व्हाट सरप्राइज, व्हाट ए सरप्राइज, कितना आश्चर्य है, व्हाट सरप्राइज कहेंगे एलासीडेट, एलासीडेट अफसोस हुआ मर गया ठीक है। इनसे क्या प्रकट होगा, आश्चर्य प्रकट होता है ठीक है। इस प्रकार का थर्ड काइंड ऑफ सेंटेंस इज ओवर।